अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये हमारी राधिका है, इसे कुछ नहीं हुआ, ये जिंदा है। अब हाँ दादी सास जी, पहले हम और गोलू जी भी देवरानी जी को देखकर ऐसे ही घबरा गए थे, पर देवरानी जी तो मौत को भी मात देकर हम सबके पास वापस आ गई है। ये कैसे हो सकता है? ये तो मर गई थी ना, पर ये जिंदा कैसे हो सकता है? तुम्हारी शक्ल देखकर नहीं पता चल रहा है कि तुम दुखी हो कि सदमे में हो? माँ जी, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कभी भी कुछ नहीं हुआ था, हमने सिर्फ मरने का नाटक किया था। हमने ऐन वक्त पर ब्लड पाउच साड़ी पर लगा लिया था। ने पुलिस को फोटो कर दिया। शादी का बेटा तो सच में बिल्कुल ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं 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 पापा जी, हम बिल्कुल ठीक है, अब एक खरोंच तक नहीं आई है। मुझे माफ करना राधिका बेटा, अपनी गलती ना होने के बावजूद भी तुझे बहुत कुछ सहना पड़ा, और तेरा लाचार बाप चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर पाया। नहीं पापा जी, आपको अपने मन में बोझ रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमने आपकी कोशिशें देखी थी, आपने अपनी तरफ से सारी कोशिशें की, लेकिन शायद भोलेनाथ की यही मर्जी थी कि अब जाके सच सबके सामने है। जो भी हुआ देर से ही सही, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये राधिका और नहीं मिलेगी इस घर से, पता नहीं कौन सा अमृत भी कराई है। जब भी मरने को हुई है, हर बार राहु केतु की तरह अचानक मर कर आ जाती है। राधिका बेटा, मैं इस घर में बड़ी होने के नाते पूरे परिवार की तरफ से तुमसे माफी चाहती हूँ, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं दादी, प्लीज ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। बच्चा इसी बात पे एक फैमिली हक हो जाए। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर होता है।
राधिका के आने से नई शक्ति आ गई है। पर आगे का प्लान क्या है? रानी और उसके चंगू मंगू को इतना डराएंगे कि वो लोग दुम दबाकर इस घर से भाग जाएंगे। लेकिन उनको भगाने से पहले हमारे घर के पेपर्स उनके पास से वापस ले लेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। सुना था सुबह भूत प्रेत नहीं आते, पर इस राधिका का भूत तो कभी भी आ जाते। हाँ भाई, हम अगरबत्ती दिखा देते पूरे घर में सब ठीक हो जाएगा। इस नाटक के चक्कर में हाथी जैसी गोलमुखी को हमारे ऊपर बिठा दिया है। पता नहीं अब हम चल पाएंगे कि नहीं। थारे को माता की गोद में आलू की बोरी का भूत दिख रहा से। माता जी, आपकी गोद में। गोद पे? क्या है गोद पे? आपकी गोद में आलू की बोरी का भूत बैठा है। तन्ने वजन ना लग रहा? वजन ना लग रहा? अरे जब कोई है ही नहीं गोद में तो वजन कैसा लगेगा? नरपत सर पर भूत का वजन नहीं होता है। सुनी आवाज सुनी? किसकी आवाज? ताई जी, थारे को भी राधिका का भूत ना दिख रहा से? क्या बोल रहे हो तुम लोग? हाँ, कौन भूत, कहाँ भूत, कहाँ? ये ना भाभी कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग। कल रात का नशा अभी तक उतरा नहीं क्या तुम लोगों का? कहाँ है भूत? ये गोद में। रुको, ये देखो। फोटो ले लेता। राधिका जल्दी बैठो, सरपट ना पटा रहे। जल्दी अगरबत्ती लेकर आते भूत पकड़ने वाली। सॉरी माँ। आउच, हमारा पैर। मच्छर था सुजाता। हाँ, इसमें आउच की क्या बात है? हाँ भाभी। हाँ, अब कितना डेंगू मलेरिया फैल रहा है ना सुजाता, सही कहा ना मैंने? हाँ भाभी, मच्छर है। जला जला जल्दी, चलो चलो चलो। नरपत जी, सरपत जी, ये कोई बच्चों का खेल चल रहा है क्या, जो आप भूत भूत करके सबको डरा रहे हैं? कहाँ है भूत? थारे कंधे पे देवरानी का वजन ना महसूस हो रहा के? अरे अगर हमें देवरानी जी का वजन लगता तो चाय लाना तो दूर, हम चल भी नहीं पाते। अरे आप लोग हमारी पूजा कर रहे हैं क्या? नरपत सरपत, तुम दोनों ने जो हमारे साथ किया है हम उसका बदला लेने आए हैं तुमसे, इसलिए भगवान भी हमारे साथ हैं। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री। और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।